हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और मुझे बताओ कैसी रही आप सब लोगों की दिवाली सब ने खूब सारा खाया होगा मिठाइयाँ और उसके अलावा घर पे जो हम लोग बनाते हैं लाइक मठरी मट्ठी और मीठी खूब सारी चीज़ें बनती हैं सब ने होंगे दिल खोल कर मैंने भी खाई हैं और ये सारा जो हमने खाया है हमारा जो वेट गेन हुआ है एक किलो दो किलो किसी किसी का तीन किलो भी हुआ होगा तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके ये जो आपने वेट गेन किया है इसको लूज कर लो क्योंकि देखो अगर ये वाला जो वेट है आप इसको साथ के साथ ही लूज कर लोगे तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि जब हम वेट को अपने बॉडी पे रखते हैं वो उतना ही टाइम लेता है बाद में लूज करने में तो इट्स बेटर तो जब भी कुछ खाओ तो साथ के साथ उसको निकालो जब आप में दम है कि आपने खाया है आपने सारी चीजें इंजॉय करी हैं तब आप इतना भी दिखाओ कि आप डिटॉक्स करो हेल्दी खाना खाओ और अपनी बॉडी को फिर से शेप में लेके आओ वापस से अब हम शुरुआत करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है हमारी अजवैन वाटर अभी विंटर्स हैं तो ट्राई करो एक मॉर्निंग ड्रिंक और एक नाइट ड्रिंक तो लो ही लो उसके बाद आ जाते हैं हम ब्रेकफास्ट में अब देखो ब्रेकफास्ट में जी मेरे पास तो टाइम नहीं है क्योंकि मैं तो जाती हूँ ऑफिस और मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं सुबह सुबह अपने लिए कुछ अलग से बनाऊँ समझ गई मैं इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इतनी इजी रेसिपीज लेके आई हूँ ना आप लोग कोई भी उसको फॉलो कर सकता है वैसे डिटॉक्स में मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप घर पर रहो रेस्ट करो स्लीप लो प्रॉपर और स्ट्रेस मत लो बट अगर आपका कोई वर्क है तो इट्स बेटर कि आप संडे को करो और ऐसा कोई वर्क है जिसमें आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ रहा है तो आप जाओ लेकिन अपना मील सारे के सारे लेके जाओ तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ब्रेकफास्ट में जो है बहुत इजी वो की है ओवरनाइट ओट्स इसकी रेसिपी मैंने अपलोड कर रखी है अपने इंस्टाग्राम पेज पे लिंक मैं ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में तो ये वाली रेसिपी छट से बनने वाली है सिर्फ फाइव मिनट्स लगेंगे इसको मैक्सिमम नेक्स्ट है जी हमारा ब्रंच अब ब्रंच और स्नैक ऐसी मील है जो आप सब लोग बहुत मिस करते हो बोलते भूख नहीं लग रही हम तो स्किप कर रहे हैं हमारा मन नहीं है खाने का और बहुत सारे रीजंस होते हैं बट ब्रंच और स्नैक्स लेना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब आप वो दोनों मील स्किप करोगे तो नेक्स्ट मील में आप ओवर ईट करोगे तो जो हमारा ब्रंच है वो होगा एक फ्रूट जिसमें आप प्रिफर करोगे सीजनेबल फ्रूट्स जो भी आ रहे हैं आजकल सीजन में हैं जैसे गुआवा आ रहा है उसके अलावा एप्पल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं सारे तो आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हो उसके बाद है लंच अब लंच में तो आपको भूख लग रही होगी क्योंकि आपने मॉर्निंग में सिर्फ आ, एक तो आपने फ्रूट खाया है ब्रंच में ब्रेकफास्ट में आपने सिर्फ ओट्स खाए हैं तो अब आप लंच अपना अच्छे से करो जिसमें आप लोगे बेसन का चीला बहुत अच्छी मील रहती है प्रोटीन रिच रहती है फाइबर रिच रहती है बिकॉज उसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स सा ऐड करके उसको बनाओगे साथ में आप लोगे ग्रीन चटनी या फिर मिंट की चटनी और बहुत टेस्टी लगती है मज़ा आ जाएगा आपको खाकर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मील होगा स्नैक्स उसमें आप लोगे एक कप ग्रीन टी साथ में आप लोगे रोस्टेड चना या फिर रोस्टेड मखाना विदाउट सॉल्ट घर पे रोस्ट करोगे उसको नेक्स्ट है जी हमारा डिनर अब डिनर में विंटर्स हैं वैरायटी ऑफ सूप्स आप बना सकते हो पमकिन का टमाटो का वेजिटेबल का मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज अपलोड कर रखी है विंटर एक ऐसा टाइम है ना जब आप वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स खा सकते हो अगर आपका सूप लेने का मन नहीं है कि नहीं मेरा सूप का मन नहीं है तो आप स्वीट पटेटो का सैलड बना के ले सकते हो अगर वो भी खाने का मन नहीं है तो पनीर का सैलड बना के ले सकते हो देखो मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रही हूँ ताकि आप अपना डिटॉक्स अच्छे से करो और दिवाली के बाद का जो वेट गेन हुआ है उसको झट से हटा दो इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं ये हमारी पूरी डाइट है इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है फर्स्ट है फोर लीटर्स वाटर इनटेक सेकेंड है अच्छे से स्लीप लेना थर्ड है नो स्ट्रेस फोर्थ है डाइट प्रॉपर फॉलो करनी है टाइमिंग सेम रखने हैं जो लास्ट मिलोगे डिनर वो आपका सेवन थर्टी तक हो जाना चाहिए अब आ जाते हैं फिफ्थ लास्ट पॉइंट जो कि है अब एक्सरसाइज आपको करनी है नहीं करनी तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है अभी क्योंकि आप डिटॉक्स कर रहे हो ऑलरेडी आपकी बॉडी पूरा का पूरा मील्स जो है वो कम ले रही हैं तो आपकी बॉडी को ज़रूरत है कि रेस्ट करें डिटॉक्स इसीलिए होता है कि हम रेस्ट करवाएं अपनी बॉडी को मील्स अच्छे से लें क्लीन मील्स लें तो इसीलिए आपको ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज करने की आपको सिर्फ रेस्ट करना है ये है पूरा डिटॉक्स का वीडियो और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कितना कितना वेट गेन हुआ है और जब लूज हो जाए तब भी कमेंट करके मुझे बताना कि हमारा इतना वेट लूज हुआ है सो आई होप दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू बाय